नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में सुविधाएं देने के लिए चुनावी वादों के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और वितरण एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगी। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें राजद नेता तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। बता दें कि पिछली सरकार में जब पहली बार तेज प्रताप यादव मंत्री बने थे, तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय ही मिला था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से शिवसेना नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा कर रही है। नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए शिवसेना ने कहा है कि भाजपा ने उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ संबंध तोड़कर पलटवार किया। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व शांति के लिए एक आयोग बनाने की इच्छा जाहिर की। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस उच्च आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा, इस आयोग का मकसद दुनिया भर में हो रहे युद्धों को रोकने के प्रस्ताव को सामने रखना होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने और बहन प्रियंका गांधी के बचपन की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन। आज देश भर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदी भाषा क्षेत्र में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। तेजस्वी ने कहा, भाजपा क्या कर रही है बिहार में सबको पता है, बल्कि वो देश के हर राज्य में यही कर रही है कि जो बिकता है उसे खरीदो और जो डरता है उसे डराओ। इतिहास गवाह है कि भाजपा ने जिन दलों से गठबंधन किया है उसे नष्ट कर दिया है। जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। 1997 के बाद से हुए पिछले 6 उपराष्ट्रपति चुनावों में यह सबसे अधिक जीत का अंतर है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को बीते दिन हार्ट अटैक आने के बाद फौरन दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके घर फोन कर बातचीत की है। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने कॉमेडियन की पत्नी को आश्वासन देते हुए कहा कि वह हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन पर काला जादू फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा कि बेलगाम बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, टूटता रुपया, बढ़ता व्यापार घाटा, देश छोड़कर जाते निवेशक, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता काले कपड़ों की है। लाख कोशिश कीजिए मोदी जी, पर असल मुद्दों पर सवाल से बच नहीं पाइएगा। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में अवैध आवास रखने और महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नोएडा के सूरजपुर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल वह ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को की जाएगी। एशिया कप 2022 का आगाज 27 अगस्त से यूएई में होने जा रहा है। बता दें कि एशिया कप 2022 के लिए सभी टीमों को अपने स्क्वाड का ऐलान करने के लिए 8 अगस्त तारीख दी गई थी, मगर अभी तक भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश ने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तरीके से राखी मनाई है। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मियों, सहायकों और अन्य कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाई, जिनमें सफाई कर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियां शामिल थी। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर एक और बड़ी रैली करने जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान करते हुए यह जानकारी भी दी है कि 17 से 23 अगस्त के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल का आयोजन किया जाएगा। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, हवाई किराए की सीमा को हटाने पर फैसला दैनिक मांग और विमान ईंधन की कीमतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद लिया गया है। स्थिरता आने लगी है और हमें भरोसा है कि यह क्षेत्र निकट भविष्य में घरेलू आयात में वृद्धि के लिए तैयार है। गेल इंडिया लिमिटेड जॉब का शानदार मौका दे रहा है। गेल जल्द ही नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर शुरू होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 282 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार gelonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2022 से शुरू होगी।
देश भर में कोरोना वायरस के 24 घंटे के दौरान 16,299 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 19,431 मामले ठीक हो चुके हैं, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,25,076 तक पहुंच चुकी है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.58% पर है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मेक इन इंडिया के तहत एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है। अब स्वतंत्रता दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी स्वदेशी आर्टिलरी गन से दी जाएगी। बॉलीवुड की योगा क्वीन शिल्पा शेट्टी के शूटिंग के दौरान पैर फ्रैक्चर हो गया है। शिल्पा ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। फोटो शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा कि रोल कैमरा एक्शन और पैर टूट गया। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी की हॉट सीट पर आज सिंगरौली डिप्टी कलेक्टर संपदा सर्राफा नजर आएंगी। चैनल की ओर से दिखाए गए इसके प्रोमो में बिग बी महिला अफसर के आगे का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए। प्रसारण आज 11 अगस्त को रात 9 बजे सोनी टीवी पर होगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा जो इनकम टैक्स देता है। इस संबंध में 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी अब मेटल सेक्टर में भी कदम रखने जा रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज ने ओडिशा में एल्युमिनियम रिफाइनरी लगाने का फैसला किया है। इस प्लांट को लगाने के लिए अडानी इंटरप्राइजेज 5.2 अरब डॉलर यानी करीब 41,600 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी केस मामले में सीबीआई ने गुरुवार को बीरभूम टीएमसी के जिला प्रमुख अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने मंडल से उसके आवास पर करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। भारतीय बजट स्मार्टफोन सेगमेंट से चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की खबरों पर चीन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हम भारतीय पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह खुलेपन और सहयोग के अपने कमिटमेंट को पूरा करे। चीनी कंपनियों के वैध हितों और अधिकारों की रक्षा करने में चीन दृढ़ता से उनका समर्थन करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि एक तरफ आरजेडी की गोद में जदयू बैठी हुई है, तो वहीं बिहार में गुंडा राज की वापसी हो गई है। जगह जगह दुष्कर्म, लूट और अपराध की घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या वह इसी के लिए तेजस्वी यादव के साथ गए थे। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अगले महीने एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक में मुलाकात हो सकती है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की शिखर बैठक 15-16 सितंबर को होनी है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आना है। कांग्रेस सांसद और शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट को उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए सम्मानित किया जाता है। 2010 में थरूर को स्पेन के राजा ने उन्हें रॉयल स्पेनिश ऑर्डर ऑफ चार्ल्स III का एनकोमेनियांडा प्रदान किया था। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले एट होम समारोह में इस बार वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पर्यावरण के संरक्षक यानी इको वॉरियर, स्वच्छग्राही, मन की बात कार्यक्रम में भाग लेने वाले ओलंपिक पदक विजेता, महिला सरपंच, टॉप पर रहने वाले स्टूडेंट और सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर को एट होम समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने अडानी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली धमकी के आधार पर अडानी को सरकार की ओर से उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उर्वशी एक इंटरव्यू में दिख रही हैं। उर्वशी ने किसी मिस्टर आरपी के नाम का जिक्र किया है और रिश्ते टूटने को लेकर पूरी कहानी बताई है। पंत ने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर रौतेला को जवाब भी दिया है। दरअसल साल 2018 में ऐसे कयास लगाए गए थे कि पंत और उर्वशी रौतेला रिलेशनशिप में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना महंगा हो गया है। वर्ष 2020 से 21 से लेकर अब तीसरे साल बीमा कंपनी ने सभी फसलों की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी कर दी है। 2020 से 21 में बाजार की प्रीमियम राशि 316 रुपए थी, जो 2021 से 22 में बढ़कर 332 रुपए प्रति एकड़ हो गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, रविशंकर, अफजल मंसूरी, अखिलेश यादव, जितेंद्र ठाकुर, विवेकानंद सिंह, नुनू कुमार।
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में हुई राजनीतिक बदलाव क्या बिहार के हित में है या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।